हेलो हाँ जी जी मुफ्ती शमीम साहब बोल रहे हैं हजरत बोलिए जी क्या गाड़ी पर हैं हजरत आप हेलो हाँ जी बोलिए आप सफर में हैं क्या गाड़ी वगैरह पर चल रहे हैं क्या ये असल में हमारा ऊपर वाला पंखा खराब हो गया नीचे का चल रहा है अच्छा आवाज बहुत धीमी आ रही थी ना इसलिए पूछ रहा था जी 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 आप कौन बोल रहे हैं हजरत मैं इशफाक खान बोल रहा हूँ बुरहानपुर से जी जी फरमाइए वो हाफिज इरशाद साहब है ना अमरोहा वाले जी जी उन्होंने आपका नंबर दिया था हजरत मुझे जी फरमाइए वो हजरत मैंने उनसे पूछा था क्योंकि हमारे यहाँ मैं बुरहानपुर में रहता हूँ जी जी तो बुरहानपुर में बड़ा मसला चलता है क्योंकि मतलब बरेलवी हजरात भी रहते हैं देवबंदी हजरात भी वहाँ रहते हैं हाँ तो अभी मुहर्रम में एक मसला ये चलता है कि मुहर्रम में जो 10 दिन तक के जिक्र किया जाता है इमाम हुसैन का महफिलें सजाई जाती है और उसमें शहादत वगैरह के वाकयात बयान किए जाते हैं तो या इमाम हुसैन के तरीके पर चलने का लोगों को कहा जाता है तो क्या इस तरह करना जायज है बिल्कुल जायज नहीं है जी हजरत जी जायज नहीं है जी अच्छा बिल्कुल जायज नहीं है हजरत ना जी कोई गुंजाइश नहीं है अच्छा क्यों हजरत अब आप ये देखिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर तो आप मर्जियाँ पढ़ेंगे और हजरत उमर की शहादत पर कौन पढ़ेगा नहीं नहीं हजरत मर्जियाँ नहीं बोल रहा हूँ मस्जिद कमाएंगे ना चलो ठीक है नहीं, एक मिनट हजरत उमर की शहादत भी मुहर्रम में हुई जी हजरत उसमें भी करते हैं वो लोग नहीं हजरत उमर की मजलिस कौन लगाएगा लगाते हैं ना हजरत उमर की भी मजलिस लगाते हैं मुहर्रम की पहली तारीख को हाँ इस्लाम में असल में ये सालाना उर्स मनाना और सालाना ईजा करना रोना धोना करना किसी को याद करना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है बिल्कुल जायज नहीं है इसका कोई सबूत सहाबाए किराम से कुछ नहीं है अच्छा हाँ इसलिए ये सब चीजें बिदअत है इस्लाम में हजरत मैं अर्ज कर रहा था जी फरमाइए ये सहाबाए किराम से इसका सबूत नहीं है इसलिए ना जायज है ये जी अच्छा तो अगर जो चीज का सबूत सहाबाए किराम से ना हो तो नाजायज हो जाता है असल में आप आपका मंशा क्या है आप ये बताइए अगर बहस करना है तो अलग बात है नहीं मैं तो बात ही कर रहा हूँ हजरत मैं मसला समझना चाहते कि मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ वक्त मेरे पास रहता नहीं है बहुत कम रहता है कभी कभी इन मसाइल में पड़ जाता हूँ तो बड़ा जहन उलझता है सुनो सुन्नत वल जमात के यहाँ ये चीज बिल्कुल नाजायज है वजह क्या है हजरत वजह बता देना उसकी बस वजह तो मैं नहीं ज्यादा बता सकता किताबों में यही लिखा हुआ है आपने भी फरमाया कि मतलब सहाबा इकराम ने जो काम नहीं किया वो नाजायज है वो असल में लंबी बहस हो जाएगी इसलिए इतने फुर्सत भी नहीं है या तो आप तशरीफ लाएं बैठ के डिबेट करें बहुत दूर रहता हूँ इतनी दूर से नहीं आ पाऊंगा अरे तो आ जाओ आप हमारे मेहमान बन के आ जाओ भाई क्या दिक्कत है हजरत बहुत दूर रहता हूँ हजरत हाँ हाँ तो क्या दिक्कत है मसला हासिल करने के लिए तो अरे हजरत मेरी बात को सुनिए मेरी बात को सुने मेरी कंडीशन ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है वक्त की बड़ी किल्लत है तो मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सा मशवरा देता हूँ हाँ बताएं वो ये है कि आप अगर नेट वगैरह देखते हैं तो नहीं नहीं हजरत नहीं नहीं हजरत बहुत बहुत कम बहुत कम हाँ तो आप मैं मशवरा दे रहा हूँ आप मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के इस वक्त ये समझिएगा कि बहुत बड़े आलिम हैं और वो दलाइल के साथ मसाइल को बयान करते हैं हाँ तो वहाँ आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा हर बात उसमें क्या होता है हजरत कि जैसे वीडियो आया कोई जैसे ऑडियो वीडियो सामने आ गया ठीक है अब हमने अब हम तो क्या है कि आम लोग होते हैं तो हम लोग ऑडियो देख लिया वीडियो सुन लिया वीडियो देख लिया ऑडियो सुन लिया अब हमने जैसे सुना तो होता ही है हजरत के मतलब उन्होंने अपनी बात कह दी वीडियो खत्म अब हमारे जहन में कोई सवाल पैदा हुआ तो अब हम किससे करें फिर तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे इंशाल्लाह फिर जल्दी से सवाल ही पैदा नहीं होगा नहीं इलियास गुम्मन साहब की जैसे आप बात कर रहे हैं तो अब इलियास गुम्मन साहब के रद में बरेलवियों की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है नेट पर तो आप नेट से कैसे सीखेंगे बाद में बात करते हैं मुझे तो हाफिज इरशाद साहब ने ये बोला मुफ्ती शमीम साहब है तो बोले ये अच्छी तरह से आपको बेहतरीन अंदाज में
समझा देंगे, जहन बिल्कुल खोल देंगे, आप आराम से इनसे बात कर लीजिए। तो करेंगे भी थोड़ा फुर्सत में होकर के इंशाल्लाह बात करूंगा आपसे। तो हजरत मैं बस इतना अर्ज कर रहा था कि मुझे सिर्फ इतनी चीज अगर बता देते आप, जैसे आपने फरमाया कि मुहर्रम में जो जिक्र शहादतें होते हैं इमाम हुसैन जो करते हैं तो ये करना नाजायज है, हरगिज इसकी इजाजत नहीं। हाँ तो हजरत मैं अर्ज ये कर रहा था, फिर मैंने पूछा कि क्यों, तो आपने कहा कि सहाबा इकराम ने इसको नहीं किया है इसलिए नाजायज है। तो हजरत इस पर तो बड़ा एतराज करते हैं ना लोग, फिर कहते सहाबा इकराम ने तो बहुत सारे काम नहीं किए। असल में दीन का कोई काम ऐसा नहीं है तकरीबन इल्ला माशाल्लाह जो सहाबा इकराम ने ना किया हो, और अच्छा। जो उस जमाने में हो सकता था, अच्छा जो काम उस जमाने में हो सकता था और उन्होंने नहीं किया, हाँ फिर उसको आप दीन समझकर कर रहे हैं तो बिदअत हो जाएगा। अच्छा ये कहाँ पर लिखा है हजरत? सहाबा इकराम के जमाने में हो ही नहीं सकता था हजरत जी। हजरत मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो 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 आपने बिदात की जो तारीफ बयान फरमाई है तो मुझे अगर बता देते तो मेरे को भी आसानी हो जाती कि मतलब ये यहाँ लिखा है भाई, तो आसानी रहती। अब बात लिखी हुई आ गई तो मेरे पास किताब हुई तो कह रहा हूँ मुझे वक्त नहीं है इतना। तो फिर आपके जहन में तो होगी ना कोई बात, जैसे मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ आप ये समझ लीजिएगा, हाँ। तो जो सहाबा किराम के जमाने में जो भी नेक काम इबादत वाला अगर हो सकता था और वो उन्होंने नहीं किया और आज उसको इबादत समझ कर किया जाएगा तो वो बिदअत हो जाएगा। अच्छा तो अगर वो तबलीगी जमात वगैरह में जाना, फिर जो काम सहाबा किराम के जमाने में मुतवक्के ही नहीं था और वो बाद में जरूरत या इबादत समझ कर किया जा रहा है, कि उसकी जरूरत पेश आ रही है, तो उसमें गुंजाइश होती है। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो ये हजरत ये जो तारीफ आपने फरमाई फिर इसका हवाला चाहिए ना। दूसरी बात अर्ज कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने फरमाया नाजायज है, आप कह रहे हैं कि नाजायज है, और हमारे यहाँ बुरहानपुर के अंदर एक मस्जिद है, जी जी बहुत बड़ी मस्जिद है, वो देवबंदी हजरात की मस्जिद है, आप बुरहानपुर आएंगे कभी तो इकबाल चौक है वहाँ पर, इकबाल चौक में एक मस्जिद है अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से। अच्छा जी। तो उस मस्जिद के अंदर देवबंदी हजरात 10 दिन तक के जिक्र शहादत इमाम हुसैन की महफिल रखते हैं और जिक्र करते हैं। जी जी जी। तो हजरत वो फिर देवबंदी हजरात भी ऐसा करते हैं तो वो भी हराम के मुर्तकिब हुए। अगर कोई इसमें देवबंदी बरेलवी का तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा मसला तो मसलक से नहीं है ये। हाँ अगर कोई चीज गलत है, कोई देवबंदी करेगा वो भी गलत है, कोई बरेलवी करेगा वो भी गलत है, तो तबलीगी जमात में जाना चाहिए हजरत के। हैं जी? तबलीगी जमात में जाना, तबलीगी जमात वाले भी अगर कोई गलत बात करेंगे वो भी गलत हो जाएगी। नहीं जमात में जाना सही है कि नहीं? जमात में असल में पहले जमाने में जब जमातें राइज हुई थी मोहतरम, हाँ। तो उस वक्त तो बहुत अच्छा काम था ये। अच्छा। और उस वक्त में जहाँ तक हमारे मुताले में बात है, मौलाना इलियास वगैरह और उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ साहब, हाँ। उन लोगों ने जिस तरह से और जिस मंसूबे के तहत में इसको लेके चले थे, वो अगर चलता रहता, हाँ। तो शायद उम्मत को बहुत फायदा होता और वो जायज भी रहता जी। लेकिन अब जो है ना इसमें बाद में आने वाले लोगों ने, खास तौर से मौलाना साद वगैरह ने और दूसरे हजरात ने बहुत ज्यादा गलतियां इसमें घुसा दी हैं। बाकायदा दारुलूम ने उस पर तबसरा भी किया है कि वो राय हक से हटते हुए जा रहे हैं, इसलिए उनके मतलब हालात के पेश नजर, जो उनके हालात कुरान और हदीस की रोशनी में नजर आ रहे हैं कि वो हटे हुए हैं, तो उनके हालात के पेश नजर मैं तो नहीं समझता कि अब जमात में जाना सही रह गया है। तो आप जमात में नहीं जाना चाहिए ना हजरत से, मतलब आपने बता दिया। आप जमात वाले अगर आए और हमसे कहें जमात में जाने का, तो हम आपका नाम लेकर के बता सकते हैं कि आपने मना फरमाया है। अब मसला ये है कि लोग कत्लो गारत गरीब आने लगे ना। अच्छा हाँ हाँ बदमाशियां करने लग गए। तो किसी जगह ऐसा हुआ फला जमात वाले चले गए, दूसरी जमात वाले ने उनको मार मार के निकाल दिया, कई लोग उसमें मारे गए हैं। अरे ये तो कोई दीन का काम ही नहीं हुआ फिर। तो वही तो कह रहा हूँ भाई, अब इसलिए बेहतर ये है कि जब फितने का माहौल हो तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से लोगों को भी दूर रखें और खुद भी दूर हो जाएं, खुद भी दूर रहें और दूसरे लोगों को भी दूर रखें और मोबाइल में ना पड़े। अच्छा अच्छा क्योंकि ऐसा है मोहतरम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने जो खारजी लोग थे ना, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला को काफिर कहते थे,
सारी जजमान फरमाया कहते थे वो लोग उन्हें अकीदा था ये, उनसे बहस करने के लिए गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला को भेजा था उन्होंने कि भाई जाके उनसे बहस करो, और ये फरमाया था कि उनसे जो बहस करोगे आप कुरान की आयत उसे मत करना, क्योंकि तुम कुरान की आयत पढ़ोगे वो भी कुरान की आयत पढ़ेंगे। अच्छा, और कुरान की अल्लाह ताला ने फरमाया कि युज़िल्लु बिहिम मन यशा व यहदी बिहिम मन यशा, कुरान की आयतें ऐसी हैं कि उनसे हिदायत भी मिलती है और गुमराही भी मिलती है। कुरान शरीफ की आयत हजरत गलत पढ़ दी आपने, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया युज़िल्लु बिहि, क्या आयत है चलो सही बता दो, युज़िल्लु बिहि कसीरन व यहदी बिहि कसीरन। हां हां, जज़ाकअल्लाह जज़ाक। वो हजरत असल में क्या है, मैं भी कुरान शरीफ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मुझे ज़हन में भी आया जी मोहतरम, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। युज़िल्लु बिहि कसीरन व यहदी बिहि कसीरन, कुरान से बहुत सारे लोगों को हिदायत मिलती है, बहुत सारे लोगों को गुमराही मिलती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने मना फरमाया कि उनसे आप ज्यादा बहस मत करना, अगर बहस करनी होगी तो हदीस की रोशनी में बहस करना। तो वहां जाके बहस करी तो उन्होंने एक ही कलमा पढ़ा बस, क्या इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हजरत अली ने इसके खिलाफ किया, हजरत अली ने इसके खिलाफ किया है, हकम बना दिया है, अल्लाह के अलावा दूसरे को हाकिम बना दिया है, ये कैसे हो सकता है? हुकूमत और हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला का चलता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के सामने ये बात आ गई कि वो लोग ये कलमा पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया कलिमतुल हक युरीदु बिहल बातिल, कलमा उनका हक है और मुराद उनकी इससे बातिल है, इसलिए जमात वालों से या किसी से आप उलझे तो उलझने में यही होता है कि हम भी कुछ कहेंगे फिर वो भी कुछ कहेंगे, बात फूल पकड़ेगी, झगड़े होंगे, फसाद होगी। अब देखो एक शख्स ने एक वाक्य लिखा है कि भाई अंग्रेजों के दौर में एक मसला उठा था इस मस्जिद में, आमीन बिलजहर का मसला उठा, अंग्रेज हाकिम था, कुछ लोग आमीन बिलजहर वाले थे, उसी मस्जिद में आमीन बिलजहर वाले थे, दोनों में झगड़ा हो गया, बैसों मुबैसा हो गया, किसी ने कहा भाई ये सही है तुम अकबर हो, इसने कहा हम अकबर हैं, उसने कहा हम अकबर हैं, तो ये सारे के सारे लोग जब झगड़ा हुआ मार पिटाई हुई तो अंग्रेज हाकिम के पास में फैसला पहुंचा, तो अंग्रेज हाकिम ने फैसला किया कि भाई देखो ना तो तुम्हारा आमीन बिल सिर है और ना ही तुम्हारा आमीन बिल जहर है, जो झगड़ा हो रहा है वो आमीन बिल शर है। तो मेरे भाई असल में लोग जो है ना जिद पे आ जाते हैं, मानते नहीं बातों को। जी जी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप ये देखो कि लोग दीन के मामले में अपनी राय पर अड़ जाएं, बस कि जो हमने कह दिया बस वही सही है, और मोहतरम मेरा अपना उसूल यह है कि अगर मैं देखता हूँ कि भाई मैं किसी मसले में गलती पर जा रहा हूँ, मुझे कोई समझा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फौरन रुजू करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी माजरत चाहूंगा, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर जैसे मुहर्रम में हम अपने इलाके के अंदर कोई महफिल सजा लें और रिवायतें सही हैं, हो जो सही रिवायात मिलती है उन सही रिवायात के साथ अगर मतलब जिक्र करें, तो अगर उसमें रोने धोने का एहतमाम हो तो वो तो नाजायज हो जाएगा। नहीं, रोना धोना नहीं होता, तो रिवायतें सही हैं हो बिल्कुल, अगर सही रिवायत हो, अगर बिल्कुल सही रिवायत हो तो उनका बयान करना जायज है। लेकिन हजरत यही मैं कंफ्यूज जो हुआ ना, बस यही पर ही हो रहा हूँ। क्या जी? मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी देर से जो आपसे बात कर रहा था ना, मैंने किताब पढ़ रहा था मैं, तो ये मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब की फतावा रशीदिया, तो फतावा रशीदिया के अंदर उनसे जब पूछा गया ना जिक्र के ताल्लुक से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगर ये रिवायात सहीहा हो, या सबील लगाना, शरबत पिलाना, या चंदा सबील और सरबत देना, दूध पिलाना, सब ना दुरुस्त और तस्बीह रवाफिस की वजह से हराम। असल में देखिए बात ये है कि ये चीजें जो हैं बिल्कुल इज्तिहादी हैं, मखसूस सरिया से तो ना इसका जायज होना साबित है और ना ही ना जायज होना। जी समझ गए ना, इज्तिहादी मसाइल है और इज्तिहादात में खता मुमकिन है। जी ये कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने नाजायज कह दिया है और कोई इस वक्त का मुफ्ती इसको जायज कह रहा है अपने इज्तिहादी राय से, नहीं ना हजरत वो यहाँ पर फिर मसला अटक जाएगा। हाँ जी, उन्होंने जायज कहा, उन्होंने नाजायज कहा, आप जायज कह रहे हैं। जी जी, और वो बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम हैं। जी जी, साहब मसला ये है, उन्होंने नाजायज कहा यहाँ पर
आप अगर हम कह दें उन्होंने गलती की थी भाई आज का मुफ्ती जो कह रहे हैं हम तो इसकी बात मानेंगे, तो अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और वो कहना शुरू कर देंगे कि भैया साफ तौर पर लिखा हुआ है उनकी किताब के अंदर क्या बोलते जो है तो तस्किरा तो रशीद में सफा नंबर 254 पर लिखा हुआ है साफ कि जो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है और बकसम कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरे इत्तिबा पर। तो वो कह रहे हैं कि हिदायत अगर पाना चाहते हो निजात पाना चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करना पड़ेगा तुमको, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अब तो मोहतरम तो उनके लफ्जों से जाहिर हो गई बात है। तो अब हजरत ये कह रहे ना जायज है, आप कह रहे जायज है, आप इत्तिबा नहीं कर रहे तो आप तो फिर गलत हो गए ना फिर। अरे अरे मेरे भाई अभी आपने जो इबारत पढ़ी है जो मुझे सुनाई है उसमें उसमें जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं आप उन्हीं पर गौर कर लो ना। क्या अभी जो आपने इबारत पढ़ी आप दोबारा पढ़े खुद समझ। उन्होंने कहा सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है और कसम कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरे इत्तिबा पर। अच्छा चलिए तो ये तो मसला वहीं तक सीमित रह गया ना। क्या उन्हीं के जमाने तक तो सीमित रह गया ना मसला? नहीं ना हजरत। क्यों बताइए? उन्होंने कहा इस जमाने में। अच्छा तो मतलब वहां तक उनको मानना है उसके बाद उनको छोड़ देना है? अरे भाई अगर कोई बात उनकी हजरत इमाम अबू हनीफा ने अहमदुल्लाह ने फरमा के चले गए मेरी बात अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो दीवार पे देके मारो। ये कहाँ पर लिखा है हजरत इमाम अबू हनीफा? ये कॉल में वही तो बात है मेरे पास। हजरत एक मिनट ये उस जमाने की बात पर आपने कर दिया लेकिन अब आप आगे आए इसी किताब के सफर नंबर 267 पर गंगोई साहब कहते हैं वो ये कि ये जो मेरा तरीका है वो कह रहे ये जो मेरा तरीका है बेआईनी ही यही सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका है और इस पर साबित कदम रहना और इसको हाथ से न देना। तो सहाबा इकराम का तरीका जो है वही तरीका इनका है और इस तरीके को छोड़कर आप कह रहे हैं जायज है तो बताएं कैसे मतलब जायज होगा हजरत? अरे भाई वही तो यार समझा रहा हूँ आपको कि ये उनका अपना इज्तिहाद है तो वो कह रहे हैं ना कि मेरा तरीके पर हक वाला मतलब जो है तो चलना पड़ेगा आपको अगर मेरा रास्ता आपने छोड़ा तो आप गलत हो जाओगे। आप सुनिए आप उनके जो है ना ठीक है वो आलिम है अपने जमाने के ठीक है आलिम होना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है लेकिन वो ना तो वो सहाबी है कि उनका कौल उज्जत हो मतलब गलती की ना फिर उन्होंने। सुनो यार बात सुनो गलत बात की ना उन्होंने जैसे गलती हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 150 अकवाल से रुजू किया है तो ये इन्होंने रुजू कर लिया इस कॉल से? रुजू साबित नहीं है मेरे यहाँ। तो जब रुजू साबित नहीं हजरत तो फिर आप कैसे रुजू की बात? आप तो यही कहेंगे फिर गलती करके गए वो। नहीं मैं ये तो कह रहा हूँ हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिन मसाइल से रुजू किया है उनको गलत तो समझाना बाद में। तो इन्होंने रुजू तो किया ही नहीं ना हजरत? नहीं इन्होंने रुजू नहीं किया भाई मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं सुनो तो ये कह रहे हैं मेरा तरीका सहाबा इकराम सहाबा इकराम का तरीका है। अच्छा जी तो जब इनका तरीका सहाबा इकराम का तरीका है तो फिर हर जमाने के लिए हुआ ना? ये बात तो आपकी सही है लेकिन वो शर्त लगा देना उन्होंने इस जमाने की वो क्यों लगाई? नहीं नहीं दूसरी जगह वो ये कह रहे हैं ना कि ये जो मेरा तरीका है ना बेआईनी यही सहाबा इकराम का तरीका है तो ये उनकी उनकी अपनी राय है तो फिर उन्होंने गलत किया ना गलत लिखा ना उन्होंने उनका साहब का तरीका नहीं है ना उनका हजरत हाजी इमदादुल्लाह की किताब जी जी उनका तरीका हजरत हाँ फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था फिर उनका तरीका सही तरीका नहीं हुआ ना भाई बात मेरी सुनो ये कोई जरूरी नहीं कि सबकी 100% बातें सही है तो वो तो कह रहे हैं ना मेरी तो सही है वो बोल रहे हैं मेरी इस्तिमा पर है वही तो बोल रहे हैं कि 100% सही है उनकी जबान से जो निकला या तो फिर वो झूठे हैं फिर ऐसी और कसम खाकर बोल रहे हैं फिर वो तो वो उनकी अपनी राय है तो अब सुनिए हजरत तो फिर यहीं पर बात आएगी कि बरिवायात सही है वो नाजायज कह रहे हैं आप जायज कह रहे हैं मतलब उनकी अपनी राय गलत है आपकी राय इस दौर के हिसाब से सही है। मैं सही समझता हूँ कोई जरूरी नहीं कि मेरे से कोई बड़ा आलिम मेरी बात को गलत साबित कर सकता है तो मतलब फिर रशीद अहमद गंगोई साहब की बात तो गलत नहीं ना हजरत? बहरहाल जो उन्होंने कहा है वो मुझे अलग से नहीं नहीं अवाम किसको मानेगी आप बताएं मुझको अवाम किसको मानेगी? अवाम तो जाहिर है इन्हीं को फॉलो करती है आपको तो जानती भी नहीं है तो फिर कैसे? नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है
तो फिर ये तो कह रहे रिवायात सही है, तब भी जायज नहीं है। आप कह रहे सही रिवायात के साथ जायज है, फिर उनका अमल और कौल अलग अलग है। हजरत रिवायात सही है साबित तो होना चाहिए ना। हाँ तो रिवायात सही है तो जायज है ना। मैं मेरे नजदीक तो जायज है, मैं तो सही मानता हूँ। तो आपके नजदीक जायज है तो फिर मुफ्ती साहब के नजदीक जो बोला उन्होंने गलत है ना। वो ये हजरत जो है ना देवबंद के इकराम का तरीका, वो कह रहे हैं कि सहाबा इकराम का तरीका यही है, बेआई नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ यही तरीका सहाबा का तरीका। तो सहाबा का तरीका तो हर जमाने के लिए है, तो फिर आपको सहाबा इकराम का तरीका गलत है, मोहम्मद इकराम का तरीका गलत है। भाई हमारी समझ में नहीं आ रही उनके जुमले। हाँ तो नहीं आ रहे ना, मेरी भी समझ में नहीं आ रहे ना, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब खुद ही कह रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहे उनके जुमले। तो आप बताएं, इस तरह लिख दिया उन्होंने, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें बताएं। आसान तरीका ये है कि इस जमाने के जो मुफ्तियाने किराम है उनको छोड़ो, वो कहाँ देख के बताएंगे आपको, उनसे आप रुझू करें। और हजरत मैं एक बात और अर्ज करूँ, आपने जैसे कहा मुहर्रम में जिक्र शहादत इमाम हुसैन करना आपके नजदीक बिल्कुल सही है, आपने कहा सही रिवायात के तालुक से। जी जी जी, तो आपने कहा सही है, और ये कह रहे हैं कि रिवायात सही भी हो तो गलत है। जबकि उन्होंने असल में सुनो, उन्होंने एक उसूल अपनाया है जी, जहाँ तक मेरी समझ में बात आ रही है, वो कहते हैं इल्तिजाम माला अल्जम, हाँ जो चीज सरी तौर पर लाजिम नहीं है उसको अगर आप लाजिम समझ कर करेंगे, जो जो शर्म मुतयन नहीं है आप उसको अपनी तरफ से हर साल यही मुतयन करेंगे तो उसको गलत मानते हैं। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लाजिम समझ कर करते हैं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लाजिम समझ कर किया जाता है और करना चाहिए। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी, मतलब ये कौन सा दीन है कि मतलब जब अपनी बारी आए तो आदमी बोले कि नहीं यार ये ठीक है, इस तरह बोल दे वो, और जब उनके किसी और की बारी आए तो बोल दे नहीं नहीं ये नाजायज है, ये तो गलत बात है ना। फिर हजरत हाँ सही बात है। आप देखिए, आप मुझे, मैं आपको बताऊं, इसी किताब में उन्होंने लिखा है इंदा जिक्र सालिना तनजलुर रहमा, और वो लिख रहे हैं कि सालिन के जिक्र के वक्त में अल्लाह की रहमतों का नुजूल होता है। तो क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला सालिम मोमिन नहीं है? तो नहीं है बिल्कुल। तो फिर उनके जिक्र पर अल्लाह की रहमत का नुजूल नहीं होगा? तो फिर लोगों को रोकना और कहना परिवार से सही भी हो तो गलत नाजायज उनके हराम कहा? उनके तो बच्चे भी ज़ैनुल्लाह भी दीन है हजरत, तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो इतनी गलत सलत बातें इन्होंने लिख दी। अब ये एक इबारत है उनकी, उस पर लोग हमको इतना परेशान करते हैं, कहते कौवा खाना सवाब लिख दिया उन्होंने। तो क्या करें आवाम, क्या करें आवाम को बताएं आप, तो आवाम क्या करें? आपने क्या नाम बताया था? मेरा नाम अशफाक खान है। अशफाक खान जी, जो मेरी शरण में कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात मेरी शरण में आ रही है जी, जी? ये शायद आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे। आवाज कम आ रही है हजरत आपकी जी। मैं देखिए, बाद लोग तो कहते हैं कि हम अकाबरीन देवबंद के या अकाबरीन बरेलवी के या उलमा अहले हदीस के हम वकील हैं, तो मैं तो वकील नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं उनकी हर बात की सफाई पेश करूँगा जी। जी, जो उन्होंने गलत लिखा वो गलत है, जो सही लिखा वो सही है। अरे माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ऐसे ही होना चाहिए। मैं इस बात में भाई कोई बड़ा है कोई छोटा है अपनी जगह पर है। मुझे तो हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो है ना एक चीज बड़ी पसंद है, वो बताऊँ आपको। उन्होंने वो अखबार निकलता था, एक महाना या सहमाइन निकलता था, और उसमें हजरत का एक कॉलम था तरजीह राजी का नाम से। उसमें हजरत का ये उसूल था कि उस महीने में या उससे पहले जो आपने बयान दे रखे हैं या जो आपने तहरीरें लिख रखी हैं, उनमें बाद में किसी के तंबीह करने से, बाद में किसी के याद दिलाने से या गौर फिक्र करने से ये मालूम हो गया उनको कि मैंने जो मजमून कहा वो बिल्कुल गलत है। तो हजरत उसमें तरजीह राजे में बाकायदा उस किताब का नाम, उसके सफ़े का नाम, उस इबारत को लिख करके भाई ये मेरी इबारत है और मैं इससे रुजू करता हूँ, और ये आज से इसको गलत समझा जा रहा है, और इसकी जगह पर ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ये बात मानी जा रही है। तो फिर अब ये रशीद अहमद गंगोई साहब के बारे में क्या कहा जाए? ये तो थानवी साहब के भी मतलब उस्तादों में, किसी के बारे में पूछना चाहिए, और जो बात मतलब
मतलब ये कि नजीर अहमद गंगोई साहब ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल गलत है और रिवायात सही के मुताबिक बिल्कुल जिक्र इमाम हुसैन करना जायज़ होगी। जी जी हेलो 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 ये आवाज़ नहीं आ रही हजरत, वो कुछ गाड़ी वाली चल रही क्या? हेलो हाँ जी जी हजरत, मतलब ये कि रशीद अहमद गंगोई साहब ने जो ये फतवा दिया कि रिवायात सहीहा के साथ भी जिक्र इमाम हुसैन करना नाजायज है, तो ये बिल्कुल गलत फतवा है उनका। हेलो